स्टूडेंट्स इन स्मार्ट ग्लो, माई सेल्फ शोभा सिंह, योर SST टीचर। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट वन वीडियो जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी की थी कि डेमोक्रेसी आखिर क्या है। उसमें हमने डेमोक्रेसी के मीनिंग्स एंड फीचर्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, बट बिफोर दिस मैं चाहती हूँ कि हम एक बार फिर से फीचर्स को रिकॉल कर लें कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, उनको हम वापस रिकॉल करेंगे। स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में फर्स्ट द पीपल मीन्स कि डेमोक्रेसी का सबसे पहला जो एग्जांपल है वो कह सकते हैं, या हम जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे वो पीपल मीन्स कि जो जनता है वही सर्वोपरि है, जनता है वही हमारी हर चीज़ के लिए, जनता ही है मीन्स कि वो लोगों का चयन भी करती है, वो लोगों को अपने पद से हटा भी सकती है और जनता ही अपने शासक को चुनती है। नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन मस्ट होते हैं। इन मोनार्ची सिस्टम, इन डिक्टेटरशिप, वहाँ पे उतनी फ्रीडम पीपल्स को नहीं होती कि वे अपने जो गवर्नमेंट की बॉडी बना सके, अपने गवर्नमेंट के लोगों का सिलेक्शन कर सके, अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सके, इलेक्ट कर सके। एंड द थर्ड वन इज़ द रूलर्स। यस, इसमें जो रूलर्स होते हैं वो भी जनता ही होती है, मीन्स कि जनता ही अपने लोगों को चुनती है और जनता में से ही कोई चुना जाता है। तो रूलर्स भी जो है जनता के, क्योंकि वो इनके प्रति अकाउंटेबल होती है, जनता के प्रति अकाउंटेबल होता है, वही पर्सन को जनता चुनती है जो कि उनके नीड्स को फुलफ़िल करेगा, जो कि उनके डिमांड्स को फुलफ़िल करेगा। नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स। इन डेमोक्रेसी ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ डेमोक्रेटिक राइट्स। क्यों, कैसे, मीन्स कि सभी को, ईच एंड एवरी पर्सन इन द सेंस कि 18 ईयर या 18 ईयर से ऊपर वाले सभी को वोटिंग राइट्स है। फिर वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वो सभी को वोटिंग राइट्स होता है। ये नहीं होता कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को वोटिंग राइट्स ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ सभी को वोटिंग राइट्स है। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड मेंबर्स मीन्स कि जो भी बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे जिनको जनता जो है, जिनको चुन के लाती है, वो बड़े बड़े मेजर डिसीजंस भी करते हैं इन फेवर ऑफ पीपल। इक्वलिटी, ये जैसा कि मैंने आपको पहले इसमें बताया था, इस वोटिंग राइट्स में लाइकवाइज दैट इन इक्वलिटी मींस कि यहाँ पे इक्वलिटी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर व्यक्ति को जो है वोटिंग राइट है, जो कि 18 ईयर से अबव होगा उसे वोटिंग राइट है, या मैन और वुमन्स, महिला, स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार मिले हैं वोट करने के। प्लस वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला, उसको समान अधिकार प्राप्त हैं वोटिंग करने के। इसके हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। यस, एक व्यक्ति को एक ही वोट का अधिकार है, एक ही वोट कर सकता है, और उस एक वोट की भी महत्वता काफ़ी है। वही एक वोट का अपना एक ही महत्व होगा, ये ना हो कि किसी के वोट के महत्व डबल हो जाए, किसी के वोट का महत्व कम हो जाए। ऐसा सिस्टम यहाँ पे इंडिया में नहीं है, डेमोक्रेसी में नहीं होता है। चूँकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है, तो वहाँ पे इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इन सभी नॉर्म्स को, इन सभी करेक्टरिस्टिक्स का फॉलो किया जाता है। एंड द एट्थ नंबर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। माने यहाँ पे जो कानूनी जो बना है, लॉ जो बना है, उसके लिए भी रूल बने हुए हैं, और यहाँ पे जो रिस्पेक्ट फॉर अदर फॉर राइट्स, यहाँ पे अधिकारों का भी जो। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी हमारा कंप्लीट हुआ है, और व्हाई डेमोक्रेसी हम अब स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैन यू टेल मी विच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट, कौन सी गवर्नमेंट जो है वो अच्छी है। क्या वो आर्मी रूल वाली गवर्नमेंट अच्छी, या मिलिट्री रूल, आर्मी रूल जहाँ पे चलता है वो गवर्नमेंट अच्छी मानी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते तो मिलिट्री रूल, आर्मी रूल जो है म्यांमार में है, और आपका पाकिस्तान में भी परवेज़ मुशर्रफ के टाइम 2002 के आसपास के पीरियड में जो है परवेज़ मुशर्रफ ने भी आर्मी रूल ही किया था। एक्चुअली वो खुद जो है रूलर बन बैठे थे। सो एक तो ये रहा, दूसरा है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो रसिया में और चाइना में चलता है।
और इस एक है थर्ड वन इज मोनार्ची सिस्टम। मोनार्ची सिस्टम जहाँ पे नोबल फैमिलीज़ के जो होते हैं रूलर, नोबल फैमिलीज़ के रूलर्स होते हैं, जो रिच फैमिली, जो टॉप मोस्ट लेवल रॉयल फैमिली के जो है वो रूलर होते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम फॉलो होता है। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप जो है वो चिली में अप्लाई किया गया है डिक्टेटरशिप, और इसमें भी पीपल जो है वो अपने रूलर्स को इलेक्ट नहीं करते हैं। अब जो है डेमोक्रेसी सिस्टम, इन डेमोक्रेसी जो है ये आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज इसको फॉलो कर रही हैं। डेमोक्रेसी का फॉलो करने का एक मेन कारण ये भी है कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत वेलफेयर वाली गवर्नमेंट मानी जाती है। डेमोक्रेसी जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करने वाली मानी जाती है, रूल ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। डेमोक्रेसी जो है मच बेटर देन एनी अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का दर्जा प्राप्त हुआ है। आज बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जो अर्लियर टाइम में जो है डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करती थी, वो आजकल डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हैं। इंडिया में फॉलो हो रही है, और ये हम अच्छे से जानते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह का डेमोक्रेसी जो है इंडिया में फॉलो हो रहा है। डेमोक्रेसी का फॉलो करने का सबसे मेन कारण कि जो भी कंट्री डेमोक्रेसी को अगर फॉलो करती है तो वहाँ पर डेवलपमेंट तो होता ही है, विकास होता है, क्योंकि अदर जो गवर्नमेंट रूल में क्या होता है कि वो लोग जो है उन्हें देश हित से ज़्यादा उन्हें स्वयं के हित की लगी रहती है। चाहे आप डिक्टेटरशिप की बात करें या हम मिलिट्री रूल की बात करें या हम कोई और सिस्टम की बात करें, बट इन डेमोक्रेसी वो विकास होता है देश का, वो विकास होता है जनता का। नो डिस्क्रिमिनेशन इन डेमोक्रेसी, ऑल आर इक्वल, सभी जो हैं वो समान हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। चाहे वो सेक्स के आधार पे अगर हम बोलें, मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ना ही कास्ट के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, और ना ही कम्युनिटी के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता। और अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास एक और अच्छा जो है डेमोक्रेसी का जो फीचर बोल सकते हैं, कि वो जो लोअर क्लास है, जो निम्न जात के लोग हैं, जो निम्न आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनका भी अपलिफ्टमेंट किया जाता है डेमोक्रेसी में, इस विशेष रूप से उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता के प्रति जो है लीडर्स की, जो रूलर्स की जो है अकाउंटेबिलिटी होती है, कि उन्हें मालूम है कि हमें जनता ने चुना है तो हम उनके प्रति जवाबदेह हैं। और पीपल, और डेमोक्रेसी में सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है जनता, जनता ही चुनती है, जनता ही अगर उनके प्रति अकाउंटेबल नहीं होती कोई गवर्नमेंट, अगर उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करती तो जनता उनको उनके पद से रिमूव भी कर सकती है, उनके पद से उनको हटा भी सकती है। नाउ हम अब पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या मेरिट्स हैं, क्या उसके गुण हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स कि गवर्नमेंट का अकाउंटेबल फॉर्म होना, मैं इसकी जो गवर्नमेंट है वो जवाबदेही वाली गवर्नमेंट होगी, मीन्स कि जनता ने उन्हें जिन आशाओं से, जिन उम्मीदों से, जिन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए चुना है, वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है उन रूलर्स की, उन रिप्रेजेंटेटिव्स की, कि वो उसको पूर्ण करें। मतलब वो उनके प्रति अकाउंटेबल होते हैं, वो उन्हें मालूम है कि हम जो हैं जो भी करेंगे वेलफेयर काम जनता के प्रति करना है, इसलिए वो जवाबदेह होती हैं, इसलिए वो कुछ गलत भी नहीं करती हैं। नेक्स्ट वन जो है डेमोक्रेटिक डिसीजंस, माने इसमें क्या होता है, चूँकि डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी का जो बहुत बड़ी संख्या में जो है लाइक गवर्नमेंट का मेंबर्स होते हैं, सो उनमें डिसीजन करने में किसी चीज़ में बहुत टाइम लगता है, लेकिन चूँकि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसलिए वो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्मी रूल की, जब हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप की, तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं होता है, वहाँ पर डिसीजन जो है होल सोल किसी एक व्यक्ति विशेष का होगा या दो व्यक्ति विशेष का, तीन व्यक्ति विशेष का। बट हियर इन डेमोक्रेटिक डिसीजन, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इवन ये जो भी डिसीजन लिए जाते हैं फिर वो पास किए जाते हैं दूसरे सभा में, लोकसभा से राज्यसभा में, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता, तो इस तरह से जो है वो उसमें डिसीजन करने में डेमोक्रेटिक डिसीजन बन जाता, क्योंकि इसमें कई लोगों का मत होता है, कई लोगों के डिस्कशन के बाद वो बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, यस चूंकि टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लगता है, तो जो कुछ सार निकल कर आएगा इतने सारे लंबे डिस्कशन के बाद, तो एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण डिसीजन आएगा।
नो वन इज परमानेंट विनर. यस, चूंकि डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती हैं वहाँ नंबर, हम बात करें अगर इंडिया की, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. इंडिया में अदर कास्ट के, अदर क्रीड्स के, अदर कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं. कई बार वो पावर में होते हैं, माइनॉरिटीज कम उसमें होते हैं, तो और वो लोग एक साथ रह नहीं सकते. बट इन डेमोक्रेसी कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता. डेमोक्रेसी का जो वर्क कल्चर होता है वो इस तरह का होता है कि वो सभी का बराबर ध्यान रखते हैं, बल्कि वो जो माइनॉरिटीज होती हैं उनको और ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, उनका वेलफेयर करते हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी. यस, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी इस वे में है कि जो पुअरेस्ट हैं और जो लीस्ट एजुकेटेड जो लोग हैं उनका स्टेटस जो है सेम होता है एज द रिच एंड द एजुकेटेड. जो रिच लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके बराबर जो पुअरेस्ट का, जो गरीब लोग हैं, जो लीस्ट एजुकेटेड लोग हैं, उनका दर्जा एक ही होता है. और जो पीपल हैं आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर्स, वो रूलर्स के सब्जेक्ट नहीं, बल्कि वो तो दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, वो खुद ही जो है रूलर हैं, वो खुद ही जो है शासक हैं. तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हुआ. एंड द सिक्स्थ पॉइंट जो है मेरिट्स का, मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन. मीन्स कि अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, मे बी इन जो आर्मी रूल है या मिलिट्री रूल है या आपका जो डिक्टेटरशिप है, उसमें जो गलतियाँ की जाती हैं वो हिडन रह जाती हैं, वो छुपी रह जाती हैं, वो सामने ही नहीं आती, उन पर पर्दा पड़ा रहता है. बट इन डेमोक्रेसी जो मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन, मिस्टेक्स उसमें छुपी नहीं रह सकती, कुछ समय बाद वो सामने आ जाती हैं. और डेमोक्रेसी में स्पेस होता है कि इन मिस्टेक्स के ऊपर जो है डिस्कशन किया जाए और उनके ऊपर एक डिसीजन लिया जाए और उसका करेक्शन किया जाए. उसका भी एक रूम होता है कि उन मिस्टेक्स को जो की गई हैं उनको भी करेक्शन किया जाए, करेक्ट किया जाए. एंड द सेवन्थ वन, वेलफेयर वर्क्स. यस, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका मेन उद्देश्य जो है कल्याणकारी कार्य करना होता है. वो अपनी जनता के चहुमुखी विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और उनके कल्याण के लिए कार्य करती है. एंड पीपल रिमूव देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. यस, जब कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है अगर जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, अगर वही जो है भ्रष्ट रूलर है या जो रूलर है वो डिमांड्स को पूरी नहीं करता, अपने एजेंडे में दिए गए सारे जो घोषणाएं हैं उन्हें पूरी नहीं करता है, तो अंत में जनता को अधिकार होता है कि वो उनको पद से हटा दे और नेक्स्ट इलेक्शन में भी उसको नहीं चुनती. अब हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी के क्या डिमेरिट्स हैं, क्या आर्गुमेंट्स उसके खिलाफ हैं, वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी. वहाँ पे क्या होता है, लीडर्स अधिकतर बदलते रहते हैं कुछ कुछ समय पे, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से लीडर्स बदलते रहते हैं. अब उसका दुष्परिणाम होता है कि इनस्टेबिलिटी हो जाती है ना, अस्थिरता बनी रहती है. नो स्कोप फॉर मॉरेलिटी. जब इस तरह के हर होते रहेंगे कि लीडर्स बदलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो जाएंगे. दूसरा, लीड्स टू डिले. डेफिनेटली जब कोई डिसीज़न लिया जाता है, जब कोई डिसीज़न बनाया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है, दैट टाइम चूंकि गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका स्वरूप बहुत बड़ा होता है, उसके मेंबर्स काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई बिल पास कराना होता है, तो एक सदन से दूसरे सदन में जाने में और उनके ऊपर डिस्कशन करने में काफ़ी समय लग जाता है. सो लीड्स टू डिले. सो कई बार काफ़ी देरी हो जाती है. रूलर्स नॉट अवेयर अबाउट पीपल्स इंटरेस्ट. समटाइम्स क्या होता है कि पीपल्स को इलेक्ट तो कर, पीपल्स इलेक्ट तो कर देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, बट जो रूलर्स हैं उन्हें जनता की रुचि के बारे में, जनता के जो इंटरेस्ट है, जनता के जो डिमांड्स हैं, जनता की जो लाइक डिज़ायर्स हैं, उनके बारे में पता ही नहीं होता. वो उसके प्रति अनअवेयर होते हैं. करप्शन. यस, डेमोक्रेसी में करप्शन की भरमार है. यहाँ पे हर प्रकार का करप्शन, कोई भी बिल पास कराना हो, किसी भी प्रकार के कार्य कराने हो, बिना करप्शन के वो नहीं कंप्लीट होता. नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल अनअवेयर अबाउट देयर बेटरमेंट्स. यस, जो साधारण मनुष्य है कई बार वो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो वो जो जिन्हें चुनेंगे तो वो इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे पाते कि हम किस व्यक्ति को चुन रहे हैं. तो एक ये भी बहुत बड़ा डिमेरिट्स है. इलेक्शन
यस इलेक्शन जो है वेस्ट, इलेक्शन वेस्टेज ऑफ मनी. यस इलेक्शन जो क्या है वेस्टेज ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा जो है पानी की तरह बहाया जाता है. इलेक्शन में कई बार क्या होता है कि मेल प्रैक्टिस भी की जाती है. इलेक्शन में वेस्टेज ऑफ मनी भी होती है, दूसरा मेल प्रैक्टिस. अब मेल प्रैक्टिस हर तरह की होती है. अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए रूलर्स जो है किसी भी हद तक चले जाते हैं और अपने पावर का गलत उपयोग करते हैं, मेल प्रैक्टिस करते हैं. सो ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं. वेस्टेज ऑफ मनी जब इलेक्शन, क्योंकि जब इलेक्शन जीतने के लिए जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कई बार जो है पैसा खिलाते हैं गलत, और जो गुंडागर्दी का, गुंडाराज का जो बोलबाला भी जो है इलेक्शन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो उनका भी बाहुबल के द्वारा भी वो अपने पक्ष में मत परवा लेते हैं. मेल प्रैक्टिस जो है वो हर तरह से होती है, इलेक्शन में भी मेल प्रैक्टिस की जाती है और इवन इन अदर जो लाइक जनता के वेलफेयर के लिए जो काम करना है उसकी जगह पर वो अपने खुद के वेलफेयर का कार्य करने लगते हैं लीडर्स कई बार, और वो सरकारी जो सुविधाओं का मिसयूज करते हैं. अब यहाँ पे मिस पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग, जो मेजोरिटी है वो क्या है. मेजोरिटी जो है वो सारे लोग जो है वो मेजोरिटी है, ठीक है. जो भी डिसीज़न होता है मेजोरिटी का, जो भी डिसीज़न होता है वो सभी लोग जो लेते हैं, मतलब वो जो इलेक्टेड मेंबर जो लेते हैं बिहाफ ऑफ द ऑल द पीपल, ऑल द पीपल के बिहाफ में जो है जो इलेक्टेड मेंबर लेते हैं. तो ये जो मेजोरिटी है मींस कि जो ये जो मेजोरिटी ऑल द पीपल्स की मेजोरिटी है ये पूरी डायरेक्ट जो है रूल नहीं करती. अगर हम कहें कि डायरेक्ट अगर उसका जो है रूल है तो डायरेक्ट उसका रूल नहीं है, ठीक है. सो अब हम इसको कैसे समझेंगे. देखिए जो हमारी जो ऑल द पीपल जो है, मतलब जो ये मेजोरिटी जो है, ये जो ऑल द पीपल जो है मीन्स की जो ये मेजोरिटी जो है, ये मेजोरिटी जो है ये अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है ये कहा जा सकती है कि वो रूल करती है. मीन्स कि इस मेजोरिटी, ये जो ऑल द पीपल की जो मेजोरिटी है ना, ये जो ऑल द पीपल की जो मेजोरिटी है वो इन सब से बनी है. तो ये जो मेजोरिटी है जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है उसके माध्यम से इनका राज चलता है. मीन्स कि इनको जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना किन ने, इनने चुना है ना, इन लोगों ने चुना है. तो कहा जाए तो ये राज कर रहे हैं लेकिन इनके माध्यम से राज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका राज चल रहा है, पीपल्स का राज चल रहा है. अब जो बातें हमने कही अब उसके आधार पर दो बातें निकल कर आ रही. पहला तो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं, है ना. जो मॉडर्न टाइम की जो डेमोक्रेसी उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स है. ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारे लोग एक साथ बैठकर और डिसीज़न ले सकें, ठीक है. एक तो ये बात निकल कर आ रही है. दूसरा अगर वो साथ बैठ भी जाए तो उनके पास इतना समय नहीं है कि, क्योंकि जो डिसीज़न लिए जाएंगे सब एक साथ बैठकर डिसीज़न लेंगे तो उसके लिए चाहिए बहुत सारा सा टाइम. सो कोई इतना टाइम नहीं है किसी के पास, ना कोई ऐसी इच्छा है कि भाई हम बैठ के आज कोई भी हो बोले चलो इसके लिए डिसीज़न, इस बात पर अपन को बहस कर लें, इस बात पर अपन को कानून बना तो आके कुछ डिस्कशन कर लें. तो कोई भी व्यक्ति जो अपना कार्य छोड़कर नहीं बैठेगा, मीन्स कि उनकी उनमें डिज़ायर की भी कमी है. और साथ ही स्किल्स, हर व्यक्ति विशेष में इतना कौशल नहीं होता, इतने गुण नहीं होते, इतने स्किल्स नहीं होते कि वो जो है बैठ के डिसीज़न मेकिंग में साथ दे सके, या जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी डिस्कशन होता है उसमें वो अपना मत दे सकें और अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा सकें. अब ये कहना कि जो डेमोक्रेसी बियॉन्ड, जो डेमोक्रेसी जो है वो बियॉन्ड गवर्नमेंट है, जो उसका ऑपरेशन जो है कहीं उससे परे है सरकार से. फॉर दिस वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. कई बार कुछ ऐसी बातें कही गई जिन पे हमें विचार करना होगा. जैसे कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे कि वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हम जो है काफ़ी जो डेमोक्रेटिक फैमिली के समान है, काफ़ी हम हमारे जो फैमिली है वो डेमोक्रेटिक फैमिली है. वेन एवर आर डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसियस कंसेंसस. माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर मैटर्स एज मच एज माई फादर. मीन्स कि कहने का मतलब कि मतलब हम ऐसी परिवार हैं जिसमें कि जो है कि जब कभी डिसीजन लिया जाता है तो हम लोग सब एक साथ बैठ जाते हैं और जिस मुद्दे पे जिस उस पर पहुँचते हम कंसेंसस पे माई ओपिनियन जो है, मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरा विचार है वो जो है मैटर करता है एज मच एज माई फादर्स. वो जैसे ठीक उसी तरह का होता है जैसा कि मेरे पिता का होता है. आई डोंट लाइक टीचर्स
हु डोंट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, मैं उन टीचर्स को पसंद नहीं करता। दूसरा स्टेटमेंट था कि मैं उन टीचर्स को पसंद नहीं करता हूँ जो कि स्टूडेंट्स को जो है बोलने का और पूछने का जो है क्लासरूम में आज़ादी नहीं देती हैं, है ना, अलाउ नहीं करती हैं। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विथ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, माने मैं उन टीचर्स को पसंद करता हूँ जो कि डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट वाले होते हैं, डेमोक्रेटिक विचारधारा वाले होते हैं। एंड द थर्ड वन जो स्टेटमेंट था वो है वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन द इन दिस पार्टी, माने कोई एक पार्टी है जिसमें जो है एक लीडर है और उसकी जो फैमिली मेंबर हैं मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं सब कुछ उस पार्टी में। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे और वो लोग कैसे डेमोक्रेसी की बातें कर सकते हैं। सो इस तरह के तीन स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे सामने, तीनों स्टेटमेंट्स आए हैं, तीनों के हिसाब से आप इसमें हम सोचें कि डेमोक्रेसी की बात किस में ज़्यादा उचित रूप से की जा रही है।